बहुत सिंपल सी बात है, तुम मेरे को बड़ा मानते हो, थैंक यू सो मच, दिल से रिस्पेक्ट है तुम लोगों के लिए, बट तुम उसके भी लायक नहीं हो। Finally, it's time to change the tire. सो टायर ऑलमोस्ट चेंज्ड भाई साहब, ये इसका आखिरी टायर है, इसके बाद मतलब आगे पीछे मैं अपोलो के टायर्स लगवाऊंगा इसमें, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये टूरिंग के बाद मैं एक इसको रेसिंग लुक देने वाला हूँ पूरा, जो मैंने सोचा है आगे बाइक के लिए। इसमें अपोलो के टायर्स डलेंगे आगे पीछे, या फिर मेटजला डलेंगे या मिशलिन डलेंगे, वो देखूँगा मैं तब के तब। इस पर कम से कम नहीं तो 20-30 हज़ार रुपये खर्च के इसको रेसिंग, प्रॉपर रेसिंग लुक दे के ना इसको बहुत कातिल बनाने वाला हूँ मैं। दिमाग में 2 दिन कॉन्सेप्ट है, अगर आपके दिमाग में भी है तो DM कर दो मेरे को इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो अभी टायर लग रहा है, ये एक टूर मार के आते हैं, जनवरी यानी न्यू ईयर के आसपास इसको नया लुक देंगे। 1 लाख करवाओ जल्दी, बहुत चीज़ है। हाँ जी, तो आज करते हैं जिम में शूट, बिकॉज आज दिखाने के लिए कुछ नहीं था, मैं कोई ब्लॉग कंप्लीट करना है। यहाँ पे 96K हो चुके भाई, 4 के बजे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग डालने अभी। आज पता है किसी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पे डाला कि राघव ना एक थप्पड़ का नहीं है, तो गुस्सा निकालना हुआ।
सिर्फ और सिर्फ 4K लेफ्ट मेरे कितने सब्सक्राइबर होने में, 1 लाख सब्सक्राइबर होने में। इससे पहले जब ये ऐसे में वार्तालाप कर रहा था तब मैं 72,000 सब्सक्राइबर पे रुक गया था, मैं इंस्टाग्राम पे रो भी गया था। क्यों? क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा था, मेरे हफ्ते में 1,000 सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, जो कि अब हो रहा है, अब 2 हफ्ते में 1,000 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब भी मेरे सब्सक्राइबर काउंट तेज़ होता है तब अचानक से पता नहीं दूसरों को क्या जलन मस्ती है, क्या होता है मेरे को, आई लिटरली डोंट नो। अब ये देखो स्टोरी है, ठीक है, अब ये स्टोरी है, ठीक है भाई, विक्रांत भैया की स्टोरी है, ठीक है, यहाँ पे स्टोरी है, ठीक है, चलो मान लिया उनका गुस्सा है अभी भी। सो नीचे एक बार देखो मेरे कितने सब्सक्राइबर बचे हैं, कितने सब्सक्राइबर बचे, सिर्फ 4K, 1 लाख, सिल्वर प्ले बटन, दिल्ली मीटअप और मेरी लाइव स्टोरी जो कि आगे आने चाहिए। लेकिन वो 1 लाख का माइलस्टोन पार करने से पहले मैं सारी बातें अभी के अभी क्लियर करना चाहता हूँ। बाउंड्री राइट से मेरी कॉन्ट्रोवर्सी थी वो मैंने क्लियर कर ली, वो बंदा खुद से आया मेरे को मिलने आया मेरे सब्सक्राइबर के बीच में, जो मेरे बर्थडे पे आया था उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत क्लियर बातें हुई हमारे बीच में। मैं थोड़ा शुरू में एटीट्यूड दिखा रहा था बट मेरा एटीट्यूड तब शांत हो गया बिकॉज वो हम्बल तरीके से बात करने आया था, सब क्लियर हो गया। कैप्टन इंडिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है, ये थी मेरी 2 कॉन्ट्रोवर्सी आज तक जो यूट्यूब पे हुई है। थर्ड हुई है किंग के साथ हुई है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज उन्होंने जो मेरे दिल में अभी भी उनके लिए रिस्पेक्ट थी वो बिल्कुल ही खो दी है। वो क्यों खोई है मैं कहता हूँ, बताता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे पिन करा, ठीक है, पिन करा, ये स्टोरी उनकी है, मैंने नहीं डाली, मैं उन बातों को भूल भी गया, मैंने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया, जो भी हुआ था पास था। आज से 1 साल पहले जो घटना हुई उसके ऊपर आज से 6 महीने पहले या फिर आई थिंक कितने महीने पहले, मान के चलो 3-4 महीने पहले बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, ठीक है, वो ड्रामा ख़त्म हुआ, हम मूव ऑन लाइफ में, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। अभी मेरा रिसेंटली ब्रेकअप भी हुआ लेकिन वो किस और रीज़न से हुआ था, लेकिन मेरा ब्रेकअप भी हुआ, मैंने वो भी चीज़ फेस करी है, ठीक है। यहाँ पे सारी अभी मेरे पापा की जॉब का भी बहुत ही अप डाउन है, वो भी मैंने चीज़ फेस करी है। कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हुआ, कहाँ पे स्टेबल हुआ, मैंने अपने रात भर मेरे इंस्टाग्राम पे वो स्टोरीज अभी भी है आर्चिव में, मैं दिखा दूँगा, मैंने रात भर बैठ के स्टोरीज डाली हैं और काम करा है ताकि मैं अपना एक फ़ोन ले सकूँ जो कि मेरा ड्रीम फ़ोन था वन प्लस। इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर दिख जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या बात आती है, यहाँ पर राघव कटारिया के ऊपर बात आती है। देखो अगर मेरे से बात नहीं करनी मत करो, मेरे को पिन भी मत करो, मैंने किसी और सुपर बाइकर के बारे में वो बात बोली, तुम लोग मेरे पे चढ़ गए कि भाई साहब हमें पिन कर दिया। अब भाई साहब मेरे को एक बार बता दो ये क्या है, मैंने कुछ बोला तुम्हें, तुमसे बात हुई, तुमने मेरे बर्थडे वाले दिन यानी एक जून को चिल्ला चिल्ला के बोला कि मैंने तो राघव के ऊपर पैसे वो कर दिए, माफ कर दिए, ये कर दिए, तब भी रीज़न मेरे बस मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर मेरा फैन फेस में रेडमी नोट 5 प्रो चोरी नहीं हुआ होता प्रूफ मैं मुंह पे मारता, इसलिए मैं शांत हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास इस चीज़ को लेके प्रूफ नहीं है जो कि मैंने संभाल के रखे होते, क्योंकि मेरे को पता है फ्यूचर में ये चीज़ें होनी थी। छोड़ो इन सबको, विक्रांत भैया के लिए अभी भी रिस्पेक्ट थी, मैंने उनकी वीडियो पे जब उन्होंने जैन 900 ली थी, आई थिंक उन्होंने अपनी बेंटली बेची थी, आई थिंक इन दोनों में से किसी वीडियो में, अगर अभी भी कमेंट है तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, मैंने कमेंट करा था, ठीक है छोड़ो उसको। अब ठीक है उन्होंने चलो फिर से वो कर्मा वाली स्टोरी डाली, जब मेरा इंजन केस टूटा था तब भी उन्होंने डाली थी, फिर से डाली थी, अब ब्रेक ऑयल रेडिएटर OMG क्या लग में सुधर जाओ और ठीक है ये सब छोड़ो, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने लिखा ना यहाँ पे मेरे को हर्ट कर गया, यहाँ पे इसलिए मैंने जो भी बोला लास्ट व्लॉग में ये पढ़ लो आप, ये उन्होंने लिखा, अब कोई आपसे बड़ा है, अब भाई मेरे घर वालों ने मेरे को सिखाया किसी का भी बुरा मत सोचो, चाहे वो जितना भी बुरा इंसान हो, चाहे वो लड़की जो मेरे को छोड़ के गई है, चाहे मेरे जो दोस्त राइडर सोल का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसकी वीडियो में भी कमेंट करा था भाई गेट वेल सून, भाई मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम मेरे लिए काम कर चुके हो या फिर मेरी कोई हेल्प करी हो तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी रिस्पेक्ट है, अभी भी है, मेरे को कोई तुम्हारे से गिल्ला शिकवा नहीं है, कोई नहीं, जो भी चीज़ें हो जाती गुस्से में हो जाती है, ठीक है। अब मैंने कल लास्ट वीडियो में इन्होंने मेरे को पिन करा, मैंने लास्ट वीडियो में बोल दिया इंश्योरेंस वाली बात, सीधा क्लियर कट टू कट बात खत्म कर दी मैंने, लेकिन यहाँ पे आज एक स्टोरी आती है जो मेरा माथा बिना देती है। मैंने अपनी एक स्टोरी पे राइडर सोल को कुत्ता बोल दिया था, कुत्ते से कंपेयर कर दिया था, क्लियरली बोल रहा हूँ सुभांशु शर्मा को, ठीक है, ये सारे मेरे पे चढ़ गए, भाई तूने कुत्ता कैसे बोल दिया भाई ये। अब देखो विक्रांत भैया मेरे से बड़े, मैंने उनको कहीं पे गाली नहीं दी, ना ही मैं दे सकता हूँ, ना ही मेरे संस्कार है,
यहाँ पे देखो वो क्या लिखते हैं, ओ झाटू राघव। अब ये कहाँ की तमीज है, मैंने अपने गुस्से में आके राइडर सोल को कुत्ता बोल दिया तो तुम सारे मेरे पे चढ़ गए कि तूने ये कैसे बोल दिया। अब ये कहाँ के संस्कार है मेरे भैया, मेरे प्यारे भैया, मेरे को कोई एक्सपोज करने का सीन नहीं भैया, आई स्टिल रिस्पेक्ट यू, ठीक है। एंड यहाँ पे सुन चूतिए, क्लियरली वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने स्टार लगाया बट सबको समझ में आता है जो कि उन्होंने, सुन चूतिए ये वर्ड है आपके, या तो आप वाली वीडियोस नहीं डालते कि भाई साहब मैंने आपके भी आपके पैसे माफ कर दिए, 1 लाख का हेलमेट, 1 लाख का हेलमेट, 1.5 लाख का हेलमेट। अब क्या हो रहा है, अब क्यों चुल मच रही है, मेरे को सिंपली बता दो, अपने काम से काम रखो ना। आप यूट्यूब पे रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पा रहे हो, मैं डाल रहा हूँ, मैं अपना कॉलेज भी देख रहा हूँ, मैं साथ में अपनी वेब सीरीज भी देख रहा हूँ, साथ में मैं अपना फ्रीलांसिंग का भी काम देख रहा हूँ, इस उम्र में देख रहा हूँ। आप तो मेरे से बहुत बड़े हो, मेरे पापा का इस चीज़ में कोई काम नहीं है, ठीक है। मेरे पापा ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है। अभी तक तो मैं उनको ये सब बातें नहीं बता रहा, ठीक है, एक बार बता दी तो फिर तो बवाल हो जाएगा, कसम से कह रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, मेरे को पिन ना किया जाए, मैं किसी को पिन नहीं करने वाला। अगर मेरे ऊपर उंगली उठेगी या कुछ बोला जाएगा मैं फाड़ दूंगा, ये पहली वीडियो में भी बोला, फाड़ा किस वे में आपको दिखा दिया मैंने, आज मैंने अपने आप को बिल्ड करा है, बिल्ड माई सेल्फ, ओके। मैं इतनी चीज़ों से अभी गुजर रहा हूँ, पापा की जॉब, ठीक है, मम्मी की अकेडमी में लॉस, ठीक है, मेरा लॉस जो कि मेरे चैनल के 3 महीने तक पेमेंट ना आना, ड्यूक की EMI कैसे निकाली है वो मेरे को पता है, ठीक है। फोर्थ थिंग ब्रेकअप, ठीक है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों की गद्दारी। अब मैं जितने फेसेस से निकला हूँ मेरे को एक चीज़ पता चली है, राघव जितना हम्बल होगा ना ये दुनिया तेरी उतनी ही मारेगी, तो 20 average 20 मार मार दुनिया की, बहुत सिंपल सी बात है। अब माइंड योर वर्ड्स एंड लास्ट थिंग, सो ये था मेरे दिल में जो भी बात थी मैंने निकाल दी, इसके आगे मैं एक भी चीज़ कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में नहीं बोलने वाला, मेरे से हाथ जुड़वा लो क्योंकि मेरे को ये चीज़ें पसंद ही नहीं है, क्योंकि अब मैं लाइफ में बहुत आगे आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। मैंने अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए मैंने सोलो अमृतसर राइड कर दी इस उम्र में, कि मैं कौन, हु द फक आई एम, इसके लिए मैं अपनी बाइक उठाई और मैं निकल गया सोलो राइड पे अमृतसर तक, और फ्यूचर में भी सोलो राइड्स करूँगा, ठीक है। अब तुम राइडर कहते हो अपने आप को, सोलो राइड्स पे निकलो, जो तुम्हें प्रूफ करना है करो, तुम रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट करो, तो मानू एज अ अपने आप को यूट्यूबर इंस्टाग्रामर कहते हो ना, येस आई एम अ ब्लडी इन्फ्लुएंसर एंड थैंक्स टू कॉल मी। और अभी नहीं इन्होंने पिन करा, इससे पहले थोड़े टाइम पहले एक और स्टोरी आई थी जिन्होंने इसमें बोला भाई रोहिणी में तो बड़ा यूट्यूबर रहता है, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला था, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, तुम मेरे को बड़ा मानते हो, थैंक यू सो मच, दिल से रिस्पेक्ट है तुम लोगों के लिए, बट तुम उसके भी लायक नहीं हो, मेरे से बड़े हो और तुम मेरे को सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हो, जब मैंने दी तुमने मेरी फाड़ दी सोशल, ओ राघव तू गालियां दे रहा है, ओ राघव तू कुत्ता बोल रहा, हो, अब तुम क्या कर रहे हो सेठ जी। तो इसी के साथ अच्छे नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते, इससे आगे कॉन्ट्रोवर्सी में मैं कुछ नहीं बोलने वाला, लेट देम बाक। सो जैन मेरे बारे में देखते ऑल दैट गुड क्वालिटी हेलमेट्स ऑन ऑल दैट सीट बेल्ट ड्राइविंग, बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट। बहुत एग्रेशन भरा हुआ मेरे अंदर जो कि मैं जिम में निकालता हूँ आज कल, ठीक है, और मेरे को वहीं पर निकालने दो, क्यों अपने पर निकलवा रहे हो। मेरी लाइफ बहुत फेसेस में गुजरी है 2019 में, सो लेट मी लिव फ्रीली, ओके, लेट मी, और अच्छी अच्छी वीडियो डालो, सब्सक्राइबर तभी मिलेंगे, मेरे को पिन करने से नहीं मिलेंगे, मेरा नाम यूज़ करने से नहीं मिलेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। इसके आगे आप राइडर सोल या फिर आप शुभांशु शर्मा सर या फिर आप विख्यान सर या फिर आपके कोई भी दोस्त वीडियो डालता है तो आई डोंट गिव अ फक टू दैट, ओके। We'll be right back.